वेलकम दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डीसी सीरीज मोटर अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डीसी शंट मोटर तो डीसी शंट मोटर अर्थात डीसी मोटर हम पढ़ रहे हैं और डीसी मोटर में हम पढ़ेंगे डीसी शंट मोटर और डीसी शंट मोटर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम डीसी शंट मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होगी ये फील्ड वाइंडिंग है और ये फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मीचर के पैरल में कनेक्ट की जाएगी ये है आपकी फील्ड वाइंडिंग और इसे हम आर्मेचर के पैरेल में कनेक्ट किए हैं अर्थात समांतर में कनेक्ट किया गया है जोड़ा गया है और इसमें जो लोड होगा ये लोड भी आर्मेचर के पैरल में होगा तो ये लोड भी क्या है आर्मेचर के पैरल में कनेक्ट है अर्थात समानांतर में कनेक्ट है इस तरीके से ये डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम बनेगा तो डीसी मोटर के सर्किट डायग्राम में हमने क्या क्या कनेक्ट कर दिए एक तो फील्ड वाइंडिंग समानांतर में कनेक्ट कर दिए लोड को भी समानांतर में कनेक्ट कर दिए इसके बाद हम इसे ऑन करेंगे डीसी मोटर में क्या होता है कि में जो है, ये winding, के में है और लोड भी समांतर में कनेक्ट होता है इसके बाद इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है यह पतले तार की और अधिक टर्न लपेटे रहते हैं इसमें तो ये जो फील्ड वाइंडिंग होगी ये क्या होगी पतले तार की होगी पतले तार होंगे इसके और नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे अधिक हो जाएंगे मतलब कि फेरे क्या होंगे अधिक होंगे पतले तार का है इसीलिए फेरे अधिक होंगे ध्यान रहे जब पतले तार का होगा तो फेरे अधिक होंगे और मोटे तार का रहेगा तो फेरे कम होंगे तो पैरलर में कनेक्ट है तो इसमें पतले तार का है तो फेरे अधिक है इसमें इसके बाद इसमें स्टार्टिंग टार्क लोड टार्क का कितना गुना होता है डेढ़ गुना होता है तो स्टार्टिंग जो टार्क है ठीक है हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे थेटिकल को ये जो स्टार्टिंग टार्क है ये फुल लोड टार्क का कितना हो जाएगा डेढ़ गुना हो जाएगा मतलब वन पॉइंट फाइव गुना हो जाएगा इतना होता है स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का डेढ़ गुना होता है मतलब वन पॉइंट फाइव गुना होता है ठीक ये किसकी बात कर रहे हैं हम डीसी शंट मोटर की बात कर रहे हैं और हमने डीसी सीरीज मोटर का बताया था स्टार्टिंग टार्क पाँच गुना होता है फुल लोड टार्क का स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का उसमें कितना होता है पाँच गुना होता है और शंट मोटर में स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का कितना होता है डेढ़ गुना होता है इन दोनों में यही अंतर है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो फील्ड फ्लक्स का मान होता है वो लगभग स्थिर रहता है तो ये जो फ्लक्स का मान है ये हमेशा कॉन्स्टेंट मिलेगा आपको तो फ्लक्स का मान कॉन्स्टेंट मिलेगा तो ऑब्वियसली है कि इसमें जिसकी जो स्पीड भी है ये भी कॉन्स्टेंट मिलेगी स्पीड भी क्या मिलेगी आपको कॉन्स्टेंट मिलेगी ये भी हमें याद रखना है इसे स्थिर गति वाली मोटर भी कहते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो स्थिर गति वाली मोटर होगी है ठीक है मतलब कि इसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी क्योंकि लोड बढ़ने पर इसकी जो स्पीड uh, में बहुत ही कम स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी मतलब कि थोड़ा सा परिवर्तन होगा जब आप इसमें लोड बढ़ाएंगे डिसीसेंट मोटर में लोड को बढ़ाएंगे तो इसकी जो स्पीड है ये थोड़ी कम हो जाएगी क्या हो जाएगी थोड़ी कम हो जाएगी इसीलिए तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी ठीक है अब इसका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ करते हैं तो डीसी सी संट मोटर का जो उपयोग है ये उपयोग बहुत जगह यूज़ किया जाता है इसका जो उपयोग है ये ग्राइंडर में यूज़ करते हैं हम किसमें ग्राइंडर में यूज़ करते हैं इसका उसके बाद ब्लोअर में भी यूज़ करते हैं ब्लोअर में भी इसका यूज़ होता है ड्रिल मशीन में यूज़ होता है ड्रिल मशीन में हम यूज़ करते हैं इसे ठीक है पॉलिशर में यूज़ करते हैं इत्यादि बहुत सारी चीजों में इसका यूज करते हैं तो इसमें क्या है स्थिर गति वाली जो मोटर जो है ये डीसी शंट मोटर और क्योंकि ये क्या है लोड बढ़ने पर इसकी स्पीड में स्लाइटली ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स होती है और स्पीड में कमी आ जाती है तो ये जो कंडीशन है ये डीसी शंट मोटर में होता है इसके बाद इसका एक और पॉइंट है इस मोटर में लोड टार्क क्या है इस मोटर में जो कहिए लोड है ये लोड क्या हो जाएगा टॉर्क के प्रोपोर्शनल में होता है ठीक है क्या हो जाएगा टॉर्क के प्रोपोर्शनल में हो जाएगा ठीक और प्रोपोर्शनल कैसा हो जाएगा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा ठीक है तो ये लोड है ये टॉर्क के में आ जाएगा ठीक तो इस मोटर में जो टार्क वृद्धि का जो गति है और उस पर पड़ने वाला इफेक्ट जो होता है ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है नगण्य होता है कैसे ये देखेंगे हम तो इस मोटर में जो टॉर्क है यदि टी का मान बढ़ रहा है और इसका जो इफेक्ट क्या हो जाएगा जब टी बढ़ेगा तो इसकी जो स्पीड है ये स्पीड अर्थात एन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ये बोल सकते हैं कि थोड़ा चेंजेस होगा थोड़ा सा चेंजेस होगा बाकी इसी को हम कांस्टेंट ही मानते हैं स्पीड आपको कांस्टेंट ही मिलेगी कोई चेंजेस नहीं हुआ टॉर्क बढ़ने पर भी इसके बाद देखेंगे हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर तो कंपाउंड मोटर जो है अब ये कंपाउंड मोटर देखेंगे और कंपाउंड मोटर को मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड किया गया है तो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो सीरीज और शंट दोनों यूज करते हैं पहली बात तो कंपाउंड का मतलब ही होता है मिश्रित तो मिश्रित अर्थात इसमें जो वाइंडिंग लपेटी जाएगी वो सीरीज वाइंडिंग और दूसरा जो है आपकी शंट वाइंडिंग ये दोनों वाइंडिंग को हम इसमें यूज करेंगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा कंपाउंड मोटर बन जाएगी तो इसे भी दो टाइप से हमने और चेंज किया है तो ये दो टाइप के होते हैं पहली बात तो एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर तो कम्युलेटिव और डिफरेंशियल ये दो प्रकार की मोटर डीसी कंपाउंड मोटर के टाइप्स हैं तो कंपाउंड मोटर जो है वो कम्युलेटिव कंपाउंड कहलाएगा जो कंपाउंड मोटर है वो कौन सा कहलाएगा कम्युलेटिव कहलाएगा जब सीरीज और सन वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न चुमकी क्षेत्र एक दूसरे के साथ मतलब हेल्प करे सहयोग करे एक दूसरे का सहयोग करेंगे मतलब कि ये भी फील्ड बनाने में सहयोग करेगा और ये भी फील्ड बनाने में सहयोग करेगा अर्थात डायग्राम में हम देखेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड बात करते हैं हम सबसे पहले तो ये कम्युलेटिव कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करते हैं क्योंकि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर ही हमें समझ में सही आ गया तो डिफरेंशियल भी समझ में आ जाएगा तो ये जो है आपका आर्मेचर और ये हो गई आपकी फील्ड वाइंडिंग ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई और ये हो गया आपका शंट फील्ड वाइंडिंग हो गया ये। तो फील्ड वाइंडिंग तो दोनों ही है तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई और ये शंट फील्ड वाइंडिंग तो ये क्या करेंगे सीरीज फील्ड वाइंडिंग और संट फील्ड वाइंडिंग के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे किसके लिए इस आर्मेचर को घूमने के लिए या घुमाने के लिए तो ये दोनों स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे सीरीज फील्ड वाइंडिंग और संट फील्ड वाइंडिंग जिससे जो ये आर्मेचर है ये तेज़ी से घूमेगा तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे सहयोग करेंगे क्या करेंगे सहयोग करेंगे किसके लिए चुंबकीय क्षेत्र बनाने में सहयोग करेंगे इसीलिए इसे, इसे हम क्या बोलते हैं कम्युलेटिव डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं और ये जो डायग्राम है ये डायग्राम कम्युलेटिव डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का डायग्राम है तो कम्युलेटिव डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या है यदि लोड बढ़ेगा आपका तो लोड बढ़ने पर क्या हो जाएगा इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी क्या हो जाएगा लोड बढ़ेगा कम्युनिटी कंपाउंड मोटर का तो स्पीड कम हो जाएगी और कम्युनिटी कंपाउंड मोटर की यदि यदि लोड स्पीड और लोड बढ़ने पर क्या है सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है ये बोल सकते हैं हम कि कम्युनिटी कंपाउंड मोटर की जो स्पीड है यदि ये स्पीड एन बढ़े तो सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटेगी अर्थात कि ये जो सीरीज मोटर है उससे कम घटेगी और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक बढ़ेगी तो दोनों में यही अंतर है इसके बाद हम देखेंगे कम्युनिटी कंपाउंड मोटर का जो टार्क है वो सीरीज मोटर से कम लेकिन सन्ट मोटर से अधिक होता है तो सबसे ज़्यादा टार्क किसका हुआ सबसे ज्यादा टार्क हुआ मैक्सिमम टार्क यह हुआ सीरीज मोटर का ठीक है उसके बाद सेकेंड में कौन आएगा टार्क यह हो जाएगा आपका कंपाउंड मोटर का और सबसे कम टार्क तीसरे पॉइंट पर किसका हो जाएगा कम टार्क इसका मीडियम टार्क और इसका हाई टार्क तो टार्क को समझेंगे हम ये हो गया आपका टार्क ठीक है तो ये इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अधिकतम टार्क किसका हो जाएगा सीरीज मोटर का ये फर्स्ट हो गया मीडियम टार्क किसका हो जाएगा मध्यम मीडियम ये हो जाएगा आपका कंपाउंड मोटर का और थर्ड है आपका मिनिमम टार्क ये हो जाएगा आपका शंट मोटर का तो इस तरीके से हम टार्क को डिवाइड कर सकते हैं इसके बाद कम्युनिटी कंपाउंड मोटर का टायर सीरीज मोटर से कम लेकिन संट मोटर से अधिक होता है हमने बता दिया जो कम्युनिटी कंपाउंड मोटर का जो है यूज़ हम करते हैं प्रेस में यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा तो उसके बाद हम इसको करते हैं रोलिंग मशीन में रोलिंग मशीन में यूज़ किया जाता है ठीक है लिफ्टिंग में भी यूज़ करते हैं लिफ्टिंग में यूज़ किया जाता है उसके बाद कंप्रेशर में यूज़ करते हैं एलिवेटर में यूज़ करते हैं और बहुत सारी जगह में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का हम प्रयोग करते हैं ठीक है इसके बाद क्या है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड और सन फील्ड के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो क्यों विपरीत होते हैं ये देखेंगे हम क्या होगा इसमें हम देखेंगे तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्या मोटर में क्या देखेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या देखेंगे हम इसकी सबसे पहले तो सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग अर्थात सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई और ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई और ये आपका आर्मेचर कनेक्ट है तो ये क्या करेगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग इसके जो फ्लक्स का डायरेक्शन है ये अलग रहेगा और इसके फ्लक्स का डायरेक्शन अलग रहेगा तो दोनों के फ्लक्स का डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण होगा यदि ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा तो इनके दोनों के फ्लक्स का जो डायरेक्शन है ये अलग अलग हो गया तो ये क्या करेंगे चुंबकीय जो क्षेत्र है इसका ये एक दूसरे का सहयोग करते हुए न करती हुए क्या करेगा विरोध करेगा क्या करेगा ये इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है ये एक दूसरे का विरोध करेंगे और एक दूसरे का विरोध करने के कारण ये क्या कहलाएंगे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाएंगे इसमें इतना ही अंतर है क्योंकि इसमें क्या होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ये शंट फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये शंट फील्ड वाइंडिंग के अपोजिट में कार्य करती है अपोजिट में कार्य करती है और वो उत्पन जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है अर्थात ये मैग्नेटिक जो फील्ड है यह मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा ये एक दूसरे का विपरीत दिशा में होंगे ये और विपरीत दिशा में होने के कारण ये क्या कहलाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाएगा और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में जो लोड करेंट है मतलब की आईएल जो है लोड करेंट ये लोड करेंट में यदि वृद्धि हो जाए तो इसकी स्पीड में भी वृद्धि हो जाती है मतलब लोड करेंट बढ़ेगा बड़े तो स्पीड भी बढ़ेगी और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का जो उपयोग है सबसे ज्यादा हम करते हैं बैटरी चार्जिंग में कहाँ करते हैं बैटरी चार्जिंग में यूज करते हैं उसके बाद जो बैटरी चार्जिंग सेट होता है ना उसमें यूज करते हैं उसके बाद बूस्टर में भी यूज करते हैं बूस्टिंग करने में पंचिंग मशीन में यूज होता है डीसी जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है उसका यूज करते हैं तो बहुत सारी जगह है डिफरेंशियल लेकिन बेसिकली है इसके बाद देखेंगे हम डीसी मोटर में होने वाले लॉसेस तो डीसी मोटर में मुख्यतः तो तीन प्रकार के लॉसेस होते हैं तो पहला जो लॉस है वो है कॉपर लॉस जिसे ताम्र क्षति बोलते हैं और सेकंड है आपका आयरन लॉस आयरन लॉस इसे हम कहते हैं लौह क्षति और थर्ड है आपका यांत्रिक लॉस तो यांत्रिक लॉस जिसे बोलते हैं हम यांत्रिक क्षति ठीक है मतलब मैकेनिकल लॉस तो इसमें डीसी मोटर में और डीसी जनरेटर में सेम तीन प्रकार के लॉसेस होंगे सेम कंस्ट्रक्शन होने के कारण उसमें भी तीनों टाइप के लॉसेस होंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉपर लॉस क्योंकि कॉपर लॉस बेसिकली क्या होता है तो कॉपर जैसे नाम लिखा है इसका कॉपर लॉस ताम्र क्षति ये क्या करता है शक्ति को की वह क्षति होती है या वह लॉस है जो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग ये दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा और जो आ, कार्बन ब्रश है कार्बन ब्रश इन तीनों के संपर्क में जो आने से जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा मतलब इनके संपर्क में जो प्रतिरोध पैदा होगी ये रेजिस्टिविटी जो है इसी रेजिस्टिविटी के कारण क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा इस रेजिस्टेंस के कारण होगा लॉसेस और वही लॉसेस का हम कैलकुलेशन करेंगे और इसी लॉसेस को हम क्या कहते हैं आइस्क्यर आर लॉस भी बोलते हैं क्या बोलेंगे हम इसकी गणना काय के रूप में करते हैं आइस्क्यर आर लॉस के रूप में करते हैं हम तो इसमें क्या क्या आ गया आपका आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग और ब्रश ये तीन आ गए आपके तो ये जो है कॉपर लॉस इसमें तीन कंपोनेंट के जो है रजिस्टिविटी जो क्रिएट होगी या इनके संपर्क से प्रतिरोध के कारण जो रजिस्टिविटी उत्पन्न हो रही है या प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है यही क्या करेगा इसमें फ्लो होने वाली करंट को एक पावर को लॉस के रूप में इंक्रीज करेगा तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं कॉपर लॉस और इसका मान क्या है लोड परिवर्तन होने के साथ परिवर्तित होते रहता है इसीलिए इसको हम वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं यदि ये जो IEL का मान है लोड का मान कम ज्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली है कि आपका जो कॉपर लॉस है ये कॉपर लॉस भी कम होते जाएगा या तो बढ़ेगा या तो घटेगा जैसे लोड कम होगा ज्यादा होगा तो आपके कॉपर लॉसेस वो भी कम ज्यादा होंगे इसलिए इसे हम वेरिएबल लॉस के लिस्ट में लाते हैं वेरिएबल लॉसेस के लिस्ट में रखते हैं इसे हम इसके बाद देखेंगे हम आयरन लॉस और आयरन लॉस जो है डीसी मोटर में ज्यादा होता है इसका यूज तो आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग में जो कोर होते हैं ठीक है आयरन लॉस कहां हो जाएगा कोर में होगा जिसे हम क्रोड भी कहते हैं तो आयरन लॉस में होगा क्रोड में या कोर में इसे इंग्लिश में कोर कहा जाता है तो आयरन लॉस क्रोड में या कोर में होता है तो क्रोड या कोर में जो होने वाली इलेक्ट्रिकल पावर की जो क्षति है वही लौ क्षति कहलाती है या आयरन लॉस कहलाती है। तो इसके डीसी मोटर के कोर में डीसी मोटर के कोर में ये आप डीसी मोटर का कोर है और इस कोर में होने वाली जो इलेक्ट्रिकल पावर है ठीक है इसमें जो होने वाली इलेक्ट्रिकल पावर है ये इलेक्ट्रिकल पावर लॉस होता है और ये इलेक्ट्रिकल पावर का जो लॉस होता है वही लॉस क्या कहलाती है आयरन लॉस कहलाती है और आयरन लॉस दो प्रकार की होती है पहले तो एक हिस्टेरिसिस लॉस है और दूसरा है एडी करेंट लॉस तो हिस्टेरिसिस लॉस का जो फार्मूला है जैसे डीसी जनरेटर में हमने देखे थे सेम वही फार्मूला डी मोटर के लिए भी अप्लाई होगा तो इसका जो फार्मूला है डब्ल्यू एच इक्वल ईटा b max 1.6 पॉइंट सिक्स तो इसका जो फार्मूला है इस फार्मूले को हमें याद रखना बहुत जरूरी है इसमें जो घात लगी है एक दशमलव छ की घात लगी हुई है इसे याद रखना है तो ये फार्मूला होगा हिस्टेरिस लॉस का और हिस्टेरिस लॉस जो है इसे कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं इसका यूज करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं किसका यूज करेंगे सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं ठीक है तो इसमें ईटा क्या है ये हिस्टेरिसिस गुणांक होता है और बी एम क्या है अधिकतम चुमकी फ्लक्स है मैक्सिमम और ये वेबर में होती है इसकी यूनिट और एफ क्या है फ्रिक्वेंसी है हर्ट्स में और ये जो वी है ये आयरन का कोर होता है तो कोर कोर का जो आयतन है वॉल्यूम अर्थात V से हम शो करेंगे वॉल्यूम को V क्या है एक वॉल्यूम अर्थात आयतन है और ये किसका आयतन है कोर का आयतन है इस तरीके से इस फार्मूले को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बाद देखेंगे हम ईडी करेंट लॉस और ईडी करेंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं लेमिनेटेड करते हैं लेमिनेटेड करते हैं जो सिलिकॉन स्टील की जो पट्टी है उसको क्या करेंगे हम लेमिनेटेड करेंगे अर्थात इंसुलेशन चढ़ाएंगे उसके ऊपर तो लेमिनेटेड करने पर एडी करेंट लॉस कम हो जाता है इसका फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों इसका फार्मूला बनेगा डब्ल्यू इक्वल बी मैग्जीम ये मैक्सिमम है और इस पे दो पर दो की घात होगी एफ पर दो की घात होगी और टी अर्थात ये थीकनेस है टी टाइम नहीं है ठीक है थीकनेस है और इस तरीके से इसका फार्मूला बनेगा डब्ल्यू ईक्वल बी एम का स्क्वायर एफ का स्क्वायर टी का स्क्वायर तो इसमें क्या है बी अब बी को हम देखेंगे तो बी क्या है इसमें इसमें बी है इसमें बी है मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो वेबर में होता है मतलब अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स एफ क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी और टी क्या है लेमिनेशन की मोटाई जो एमएम में ज्ञात की जाती है जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती पहली बात तो ये देखेंगे हम किस पर डिपेंड नहीं करेगी टेम्परेचर पर मतलब तापमान पर निर्भर नहीं करती और हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कम हिस्टेरिसिस गुणांक वाला जो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं तो हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाता है ठीक है वैसे ईडी करेंट लॉस को कम करने के लिए किसका यूज़ करेंगे जो मैंने बताया लेमिनेटेड करेंगे हम पोल को तो लेमिनेटेड करेंगे सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड का यूज करेंगे तो ईडी करंट लॉस भी कम हो जाएगा इस तरीके से इसका जो फार्मूला है ये याद रखना बहुत जरूरी है और इससे आप ईडी करंट लॉस निकाल सकते हैं इसके बाद देखेंगे हम मैकेनिकल लॉस तो मैकेनिकल लॉस क्या है यांत्रिक लॉस जिसे बोलते हैं यांत्रिक क्षति तो आर्मेचर में क्या है वायु के घर्षण से बियरिंग के घर्षण से और ब्रश या कम्यूटेटर के घर्षण से होने वाली जो मैकेनिकल लॉस है जो पार्ट्स खींचते हैं तो यही मैकेनिकल या यांत्रिक क्षति कहलाती है तो यांत्रिक क्षति में हमने क्या बताया एक तो वायु घर्षण दूसरा मैंने बताया आपको बियरिंग बियरिंग में भी घर्षण होता है ना बियरिंग घर्षण के कारण जो लॉस होगा तीसरा आपका ब्रश के कारण अरे ब्रशों के कारण भी होगा ना ब्रश हो गया आपका प्लस कम्यूटेटर जो हो गया तो इन ब्रश और कम्यूटेटर के बीच इसमें भी क्या होगा घर्षण होगा तो ये इनके कारण जो है मैकेनिकल लॉस होता है मतलब कि पार्ट्स घिसते हैं तो यही यांत्रिक क्षति कहलाती है और यांत्रिक क्षति का जो इसमें कुल क्षतियाँ इस प्रकार दर्शाई जाती है जैसे कि आपका हो गया टोटल जितने भी लॉसेस हैं इसको एक्सप्लेन करें तो इसटे जो लॉस है ये लॉ क्षति और यांत्रिक क्षति का कॉम्बिनेशन होता है तो आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस दोनों मिलके क्या बनेंगे लॉस बनेंगे वही है नियत क्षति तो को और तीसरा श्रंट फील्ड क्षति को अर्थात आयरन लॉस को प्लस मैकेनिकल लॉस को और तीसरा शंट फील्ड लॉस को ठीक है ये कांस्टेंट लॉस में आएगा और जो अस्थिर क्षति होता है जैसे मैंने बताया था आपको जो कॉपर लॉस होता है ये कॉपर लॉस यहाँ पर आर्मेचर में होता है तो आर्मेचर जो लॉस होगा प्लस सीरीज फील्ड लॉस ये दोनों क्या हो जाएंगे अस्थिर मतलब कि अनस्टेबल लॉसेस कहलाते हैं ये अर्थात इसे वेरिएबल लॉसेस की श्रेणी में रखा जाता है यदि हम कुल लॉसेस टोटल लॉस हम निकाले तो उसका फार्मूला क्या बनेगा कुल लॉस का फार्मूला बनेगा नियत क्षति मतलब कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा टोटल लॉस इसके बाद देखेंगे हम डीसी मोटर की एफिशिएंसी अर्थात दक्षता डीसी मोटर की जो एफिशिएंसी है सेम जैसे डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी निकाले थे वही फार्मूला इसमें भी यूज किया जाता है तो इसमें जो मैकेनिकल लॉस है सबसे पहले तो यांत्रिक दक्षता ये निकालेंगे तो ये हम निकालेंगे मैकेनिकल पावर की जो आउटपुट है अपॉन मैकेनिकल उत्पन्न यांत्रिक शक्ति मतलब कि मैकेनिकल पावर की इनपुट तो ये इनपुट हो गया अपन आउटपुट इन टू हंड्रेड परसेंट इस तरीके से यांत्रिक दक्षता निकाल सकते हैं मैकेनिकल लॉस सेकेंड में है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी हमें निकालना है विद्युत दक्षता तो इसमें क्या होता है उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अर्थात इसका जो इनपुट है वो यांत्रिक शक्ति इनपुट अपन आउटपुट इलेक्ट्रिक शक्ति इंटू हंड्रेड परसेंट इस तरीके से फार्मूले हम निकाल सकते हैं उसके बाद है कमर्शियल इफिशियंसी और कमर्शियल इफिशियंसी का फार्मूला याद रहना बहुत जरूरी है क्योंकि जब फील्ड में काम करेंगे तो कमर्शियल इफिशियंसी हमें निकालना पड़ता है तो ये हो जाएगा मैकेनिकल पावर की आउटपुट और इलेक्ट्रिकल पावर की इनपुट इंटू हंड्रेड परसेंट इस तरीके से हम कॉमर्शियल इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं तो इसमें रिलेशन भी देखेंगे हम इनमें रिलेशन क्या बनता है कि जो कॉमर्शियल दक्षता होती है वो यांत्रिक दक्षता इनटू क्या हो जाएगा आपका वैद्युत दक्षता मतलब कि ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के इनटू में होता है इसे हम कॉमर्शियल इफिसियंसी कहते हैं और इसमें क्या है मोटर की अधिकतम दक्षता होगी कब जब कॉपर लॉस जो है और जो स्टेबल जो कॉन्स्टेंट लॉस है दोनों बराबर हो जाए तो कांस्टेंट लॉस और कॉपर लॉस दोनों स्टेबल हो जाए कौन सा कांस्टेंट लॉस और कॉपर लॉस ये दोनों बराबर हो जाए तो मोटर की जो इफिशियंसी है वो मैक्सिमम हो जाएगी क्या हो जाएगी मैक्सिमम इफिशियंसी देगा ठीक है उसके बाद मोटर की जो अवस्था को ज्यों का त्यों रखने पर क्या होती है इसकी दक्षता पचास परसेंट से कम हो जाती है मतलब जितनी उतनी च रखेंगे तो क्या हो जाएगी फिफ्टी परसेंट से कम हो जाएगी और जब फिफ्टी परसेंट से कम हो जाएगी तो हमें ज्यादा लगेगा पावर उसे चलाने के लिए इसके बाद देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो क्या होते हैं इसमें यदि किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर में सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए अर्थात हमने क्या किए टर्मिनल को हमने चेंज कर दिए टर्मिनल को हमने चेंज कर दिया आपस में चेंज कर दिए तो मोटर की जो घूर्णन दिशा है वो क्या हो जाएगी परिवर्तित हो जाएगी मतलब मोटर जो है वो उसका रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा मोटर का रोटेशन चेंज हो जाएगा बदल जाएगा वैसे ही है यदि किसी विद्युत मोटर में नेम प्लेट पर अंकित जो शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है अर्थात जो नेम प्लेट है इस नेम प्लेट में जो नंबर या जो भी लिखा हुआ है वो अंकित दो है वो साफ्ट पर उपलब्ध पावर होती है किस पर साफ्ट पर उपलब्ध पावर होती है तो जो नेम प्लेट होगा उससे समझ जाएंगे कि सॉफ्ट पे जितना आउटपुट मिल रहा है साफ्ट पे जितना पावर मिल रही है वो पावर नेम प्लेट पर अंकित होगा हम ये देखेंगे इसके बाद जो है किसी डीसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में बिना परिवर्तन के उसके घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए जो आर्मेचर वाइंडिंग का हम क्या कहते हैं कनेक्शन करते हैं और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में अधिक कठिनाई होती क्यों होती है क्योंकि दोनों का जो डिफरेंशियल मोटर जो है कंपाउंड मोटर उसमें फील्ड वाइंडिंग और shunt, ये जो सीरीज फील्ड है सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का जो फ्लक्स है वो अपोजिट दिशा में बनता है इसलिए ठीक है उसके बाद है डीसी मोटर का जो स्टार्टिंग जो रेजिस्टेंस होता है वो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है एक से दस ओम के बीच में होता है स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एक से दम ओम दस ओम के बीच में होगा और बियरिंग को धोने के लिए हम किसका यूज करेंगे पेट्रोल का यूज करेंगे ध्यान रहे बियरिंग को धोने के लिए किसका यूज करेंगे हम पेट्रोल का डियरिंग को धोने के लिए पेट्रोल का यूज किया जाता है और कम्यूटेटर को साफ करने के लिए हम किसका यूज करते, है? मतलब करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड मतलब सी सी एल फोर सी सी एल फोर या सी टी सी का यूज करते हैं सीसीएल फोर का यूज करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का किसको धोने के लिए कम्यूटेटर को धोने के लिए तो हम कम्यूटेटर को धोना है हमें तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे सी सी एल फोर ठीक। और बियरिंग को धोना है तो बियरिंग को धोने के लिए किसका यूज करेंगे पेट्रोल का ये हमें याद रखना है बेसिकली बहुत सारी हमने वैक्यूम क्लीनर्स देखे हैं और वो जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं उसमें हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं वैक्यूम क्लीनर और वैक्यूम क्लीनर में जो यूज करते हैं यूनिवर्सल मोटर वो एसी और डीसी दोनों से ऑन हो जाती है ठीक है डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय क्या है जो रिवर्स ई है मतलब बेक ई क्या होता है ई जीरो होगा डीसी मोटर की यांत्रिक कार्य दक्षता है वो कैसे होगी ये होगी बी एच पी इंटू सात सौ पैंतीस दशमलव ये हमें याद रखना है ठीक है यांत्रिक दक्षता की बात कर रहे हैं और एसी ड्राइव की अपेक्षा डीसी ड्राइव बहुत आसान होता है इसीलिए सबसे ज्यादा जो मशीन है डीसी ड्राइव के लिए यूज किया जाता है मोटर डीसी ड्राइव में ज्यादा यूज किया जाता है और सभी प्रकार के जितने भी मोटर है कार्य करता है एक तो रिपल्सन रिपल्सन और दूसरा इंडक्टेंस एल के सिद्धांत पर वर्क करती है सभी मोटर है ठीक है और डीसी मोटर में जो ब्रेक टेस्ट कम या असक्ति वाले मोटरों के लिए करते हैं हम जितने भी एच पी वाली मोटरें होंगी ठीक है हाउस पावर वाली मोटर है, इसी में हम ब्रेक टेस्ट करेंगे बाकी दूसरे में नहीं करेंगे छोटे किलोवाट रेटिंग वाली मोटर में नहीं करेंगे हम ठीक है एचपी वाली मोटर में ही करेंगे और अधिकतर उपकरणों में क्या है डेम्पिंग जो ईडी करेंट के द्वारा उत्पन्न उपलब्ध कराई जाती है तो ये जो डैम्पिंग है बहुत सारे उपकरण में वो ईडी करंट के द्वारा ही उत्पन्न कराई जाती है क्योंकि डैम्पिंग जो टॉर्क है वो ईडी करंट के द्वारा ही उत्पन्न होती है वैसे डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मेथड है और उन मेथडों को मैं नाम बताना चाहूंगा जो स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी यूज की जाती है तो वह है आर्मेचर कंट्रोल मेथड